गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ निलोफर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन निलोफर्स रिव्यू यूट्यूब। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि अभी है फेस्टिव टाइम, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक फेशियल किट का रिव्यू। तो फेस्टिव टाइम में होता है ना कि आप चाहते हो घर में रहकर ही हम अपने फेस पे कुछ थोड़ा सा मीन्स ऐसा स्किन केयर कर लें, जो फेशियल कर लें या कुछ उस टाइप का, जिससे फेस पे अच्छी सी चमक भी आ जाए और हम मीन्स फेस्टिवल में थोड़ा सा चमकने लगें। तो उस वजह से आज मैं आपके लिए एक फेशियल किट का रिव्यू लेकर आई हूँ, प्लस डेमो भी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बिना किसी देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ब्लॉसम कोचर के अरोमा मैजिक का ये 7 स्टेप पर्ल फेशियल। तो ये मैंने पहले भी कर रखा है, लेकिन उसमें ये पर्ल नहीं था, मींस पर्ल फेशियल नहीं था। इसमें काफ़ी रेंज है जिसमें आपको वेरिएंट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको मिल जाएगा पर्ल फेशियल, सिल्वर फेशियल, गोल्ड फेशियल और ग्लो फेशियल। तो मैंने ग्लो फेशियल पहले कर रखा है काफ़ी टाइम पहले, बट अभी मुझे ये लेना था क्योंकि ये जो है ये सलोन रेंज में आता है और ये ट्रीट करता है, ट्रीट एंड रिलीव्स करता है एक्ने को, डिटॉक्सीफाई करता है स्किन को, लाइटनिंग करता है ब्लैमिशेस को और ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए। तो जैसे आपको पता है कि मेरी स्किन है मींस ऑयली और पिंपल प्रोन, और मींस अभी तो नहीं है पिंपल्स मेरे, बट हो जाते हैं। तो अभी इसलिए इसको ट्राई किया है कि देखते हैं क्या होता है। तो अभी देख लेते हैं कि इस फेशियल किट की जो 7 स्टेप्स हमें मिलेंगे उसमें क्या क्या है। दिस फेशियल किट कंटेन्स फर्स्ट फेस क्लिंजर, देन स्किन सीरम, एक्सफोल जेल, पर्ल ग्लो जेल, ऑक्सीजनेटिंग जेल, फेस पैक एंड सनस्क्रीम। तो ईच किट कंटेन 1 यूनिट ऑफ ईच फॉर 1 फेशियल, मीन्स ये जो पूरी किट है वो 1 फेशियल के लिए ही है, मीन्स एक बंदा ही फेशियल कर सकता है इससे। और फॉर डिटेल रिफर टू द इंस्ट्रक्शन मैनुअल इन साइड द पैक, मीन इसका जो मैनुअल है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है आपको अंदर मिलेगा, तो वो आपको पढ़ के आप आराम से कर सकते हो अपना फेशियल। तो ब्रांड नेम जो है वो ब्लॉसम कोचर है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो और ये जो पैक है, जो फेशियल पैक है, पर्ल फेशियल पैक है, और ये ऑयली स्किन वालों के लिए ही स्पेशली डिज़ाइंड है। और आप देख सकते हो इसका जो प्राइस लिखा है यहाँ पर, वो ₹210 है, बट ये जो मुझे मिला है शॉप से मिला है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा 180 या 190 रुपीज़ है, मुझे 190 रुपीज़ में मिला है। अलग अलग साइट पे इसके अलग अलग रेट हैं, तो आप देख सकते हो। और पहले मैं इसका एक फेशियल किट यूज़ कर चुकी हूँ, मींस काफ़ी टाइम पहले, ग्लो पैक ग्लो फेशियल था वो, तो वो काफ़ी अच्छा था। तो अभी इसको देखते हैं ये किस तरह का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। फ्रेंड्स, इस किट में जो ये 7 स्टेप की हमारा पर्ल फेशियल की किट है, उसमें हमें क्या क्या रिसीव हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह के 7 पाउचेस मुझे मिले हैं, जिसमें आप देख सकते हो फर्स्ट पाउच जो है वो फेस क्लिंजर का है, देन क्यूट सी ये बॉटल है छोटी सी, इसमें हमें मिल रहा है सीरम, देन आपको एक्सफोल जेल मिल रहा है, पर्ल ग्लो जेल मिल रहा है, देन इधर आपको मिल रहा है ऑक्सीजनेटिंग जेल, देन आपको मिल रहा है फेस पैक एंड सनस्क्रीन। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि दिस फेशियल किट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, मीन जो जिनकी स्किन ऑयली है और पिंपल प्रोन है, ब्लैमिशेस हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी है, तो वो इसको ले सकते हैं। और उसके अंदर एक इस तरह का मैनुअल भी मिला हुआ है, तो ये मैनुअल पढ़ के अगर आप इसको फेशियल करोगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से फेशियल है, और उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, आप फेस क्लिंजर कैसे लगाओगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप भी यहाँ पर है कि स्किन सीरम को कैसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। देन इस तरह से आपको सारा मैनुअल मिल जाएगा और उसको पढ़ के आप आराम से अपना फेशियल कर सकते हो। तो घर पे रह के ही आप अच्छा सा फेशियल कर सकते हो, अपने चेहरे को ग्लो दे सकते हो। और ये जेल बेस्ड फेशियल है, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन है इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको देती हूँ डेमो और मैं करती हूँ ये फेशियल अपने अप्लाई, क्योंकि मेरी भी ऑयली स्किन है। तो चलिए देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है क्लिनजिंग का, तो मैं अपने फेस पे करने जा रही हूँ क्लिनजिंग। तो सभी जानते हैं क्लिनजिंग जो होती है वो क्लीनिंग के लिए की जाती है। तो फेस पे इस तरह का एक जेल दिया गया है, उसे मैं अपने फेस पे लगाऊंगी और 1 से 3 मिनट तक इसको हल्का सा मसाज करनी है, देन इसको फिर आपको हटा देना है टिश्यू पेपर से या टॉवल से। तो देखिए मैं मसाज स्टार्ट कर दी है। तो जैसे भी आपको स्टेप आते हो, जो सही स्टेप हो, थोड़े अपने हल्के हाथों से आप इस पर हल्की सी मसाज करके अपने चेहरे को क्लिंज कर सकते हो, और एक अच्छे से पेपर से, टिश्यू पेपर से या फिर टॉवल से आप साफ कर लो उसको। तो
तो फ्रेंड्स अभी स्टार्ट हो गया है मेरा सेकंड स्टेप, जिसमें ये सीरम मिला था हमें, तो इसकी बॉटल को तोड़ के ऊपर से और फिर इसमें से मैंने सीरम निकाला है और इस सीरम को हमें अपने फेस पे लगाना है। मैंने टिश्यू से अपने फेस को हल्का सा साफ़ कर लिया था, उसके बाद अब ये मैं इस तरह से सीरम फेस पे लगा रही हूँ और इसको अच्छे से लगा लेना है और इसको फिर 3 to 4 मिनट इसको इसी तरह अब्सॉर्ब होने देना है। ये अब्सॉर्ब होगा, इसमें कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे जो स्किन में पिंपल्स वगैरह आते हैं उससे ये रिलीफ देता है सीरम, और चेहरे पे चमक भी लाता है। तो इस तरह से हमें इसको छोड़ देना है बस। और मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अगर पूरा फेशियल दिखाती तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती वीडियो। थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें ये एक्सफोल जेल है जो हमें अपने फेस पे लगाना है और ये थोड़ा सा जेल फॉर्म में तो है बट थोड़ा सा थिक है, काफ़ी थिक है, तो इसको मैंने इस तरह से अपने फेस पे लगा लिया है और इसको भी हल्की सी मसाज करनी है 3 मिनट्स के लिए और फिर इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसमें से ना मैं अच्छी सी स्मेल आ रही है, जैसे लॉन्ग होता है ना, लॉन्ग या उन साई थोड़ा सा लॉन्ग की स्मेल आ रही है इसमें से, तो आई थिंक लॉन्ग जो होती है ना वो दाग धब्बों के लिए ही होती है। तो अभी हमारा फोर्थ स्टेप स्टार्ट हो गया है जिसमें पर्ल जेल है, तो अभी आपको इसको ना थोड़ा सा टॉवल से साफ कर लेना है, देन अब हमें अपनी जो पर्ल क्रीम है उससे अपनी एग्जैक्ट मसाज करनी है, कम से कम 7 मिनट तक, मीन्स अच्छे से मसाज करनी है आपको 7 to 10 मिनट्स तक। तो मैं अब जा रही हूँ स्टार्ट करना, ये फोर्थ स्टेप है हमारा, तो आप देख सकते हो इस तरह से। और ये जेल काफ़ी अच्छा सा आया था और काफ़ी क्वांटिटी में भी है, आप आराम से अच्छे से इससे फेशियल कर सकते हो। तो अब वही स्टेप्स मुझे स्टार्ट करने हैं और एक मीन्स काफ़ी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई रखनी है और अच्छे से अपने फेस पे इससे मसाज करनी है। अगर आप किसी और से करा रहे हो तो आपको और अच्छा रिलीफ मिलेगा, आप आँख बंद करके लेट सकते हो और आराम से करा सकते हो। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप स्टार्ट हो गया है जिसमें भी एक जेल मिला है और उसको हमें अपने फेस पे उससे मसाज करनी है और ये हमें सिर्फ 5 मिनट्स तक करनी है। तो इस तरह मैंने इसको फेस पे लगा लिया है और फिर मैं मसाज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो स्टेप्स जो हैं वो मैंने काफ़ी देर तक किए हैं, जो टाइम दिया था उतनी टाइम तक किए हैं, बट पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ वीडियो में दिखाना क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाता फिर। ये हमारा सिक्स स्टेप स्टार्ट हो गया है जिसमें मैं लगाने वाली हूँ एक फेस मास्क, मीन्स ये फेस मास्क है और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मीन्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा, नेचुरल चीज़ें ही हैं, स्मेल बिल्कुल नेचुरल सी ही आ रही है इसमें और मीन्स ये पिंपल प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए डिज़ाइन है, तो मेरे ख्याल से मुल्तानी मिट्टी वगैरह भी है इस फेस पैक में। तो मैं इस फेस पैक को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ड्राई करने से स्किन भी बहुत ड्राई हो जाती है, तो थोड़ा सा वेट ही होगा तभी मैं इसको वॉश कर लूँगी और क्लीन कर लूँगी इस अपनी स्किन को। तो ये सिक्स स्टेप है और इसके बाद सेवन्थ स्टेप जो है वो है एक सनस्क्रीन जो मैं अभी नहीं लगाऊँगी, मैं मॉर्निंग में लगाऊँगी, मैं अभी रात में कर रही हूँ फेशियल। तो फ्रेंड आप देख सकते हो मेरा फेशियल हो गया है कंप्लीट और जो लास्ट स्टेप था सेवन्थ स्टेप था वो था सनस्क्रीन का, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो मैं अभी कहीं बाहर नहीं जा रही और ये नाइट का टाइम है, मैं नाइट में ही फेशियल्स यूजुअली नाइट में ही करती हूँ, तो वो मैंने सनस्क्रीन रख दिया है, तो मैं मॉर्निंग में कहीं जाऊँगी तो मैं उसको अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया है, मेरे ये पिंपल हो गया था तो काफ़ी अच्छा ग्लो आया है और जो प्रोडक्ट्स थे इसमें वो काफ़ी अच्छे थे, मीन्स एज़ द नेम ऑफ ब्लॉसम कोचर, तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे थे, स्मेल काफ़ी अच्छी थी और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छे टेक्सचर्स के थे, तो कुछ भी ऐसा लोकल प्रोडक्ट नहीं था, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट भी आया है। तो आप मुझे बताइएगा, यूज़ करिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, और जैसे मैंने रिव्यू किया और आपको डेमो दिया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक करें मेरे वीडियो को, और अगर पसंद आया हो तो शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो चलिए फिर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।